राम मंदिर मुद्दे पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद बयानबाजी तेज हो गई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मसले पर कोर्ट से जल्द फैसले की मांग की, जिसके लिए उन्होंने राम मंदिर से जुड़ी जनता की भावनाओं का हवाला दिया। देश की जनता की अपेक्षा अवश्य है कि राम जन्मभूमि के केस का निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन शिवसेना ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर सीधे केंद्र सरकार को घेरा। राम मंदिर वहाँ सारे हिंदू चाहते हैं और इस प्रकार से सरकार अपने आप को बचाना चाहती है। 20 साल पहले 25 साल पहले यही मामला जब कोर्ट में था तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बाबरी ढांचा क्यों गिराया। तो वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने राम मंदिर पर अध्यादेश की मांग कर दी। अध्यादेश के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब बीजेपी के ऊपर है कि अध्यादेश लाती नहीं लाती है। तो वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने राम मंदिर पर अध्यादेश की मांग कर दी। कोर्ट के लापरवाही है, गलती है। 5 बेंच और 10 बेंच बना दे तो एक न एक हर डेट पर छुट्टी लेते रहेंगे, ऐसे बढ़ता रहेगा। यूपी के शामली जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के समय पुलिस ने संदेह होने पर जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो वो वहां से भाग निकले, जिनका पीछा कर पुलिस ने तीनों बदमाशों को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कई राउंड फायरिंग के बाद एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके 2 और साथियों को भी दबोच लिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इतनी ज्यादा लोग फायरिंग कर रहे थे कि आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग किया और इस फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और हमारी तरफ से एक नरेश नाम के सिपाही हैं, उनको भी गोली लगने की बात सामने आई है। दिल्ली में होने वाले कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जेएनयू नारेबाजी कांड के आरोपी कन्हैया कुमार और शहला रशीद को भाषण देने के लिए बुलाया गया, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने दोनों को कार्यक्रम से हटा दिया, जिसकी पुष्टि खुद कार्यक्रम में शामिल होने वाली कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पोस्ट के जरिए की। मगर बीजेपी ने बिना समय गंवाए इस मसले पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की पक्षधर है, कांग्रेस पार्टी की बी टीम है टुकड़े टुकड़े गैंग। बीजेपी के इस हमले का जवाब कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने दिया। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, आज तक साबित नहीं हुआ है कुछ भी। सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की ओपिनियन है अदालत के पास। महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ये कार्यक्रम बुलाया गया है। राहुल गांधी केरल के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में खांसी जुकाम की शिकायत के बाद भर्ती हुई वीरभद्र सिंह के स्वाइन फ्लू से ग्रसित होने की पुष्टि की गई। यूपी के अमरोहा में बदमाशों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही हर्ष चौधरी को अंतिम विदाई दी गई। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 27 में रह रही एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। राजस्थान के कोटा में तेंदुए के एक पालतू कुत्ते के शिकार की तस्वीर सीसीटीवी में कैद होने पर दहशत फैल गई। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के वोट काटने वाले आरोप पर विवादित बयान दिया। ठाणे की एक रैली में भाषण के दौरान ओवैसी ने आरोप लगाने वालों को काट देने की धमकी दी। मुझ पर इल्जाम ये लगाते हैं कि ओवैसी जहां पर जाता वोट काटता है। मैं वोट नहीं काटता, मैं तुम्हारे को काटने आया हूँ। यूपी के अलीगढ़ में आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना। इंद्रेश कुमार ने अयोध्या मामले पर फैसले में देरी होने के लिए जजों के खिलाफ धरना देने की भी अपील की। अलीगढ़ में इंद्रेश कुमार भारत की एकता और अखंडता के समक्ष चुनौतियों के विषय पर भाषण दे रहे थे। चंद जज हैं जिन्होंने जस्टिस को डिले किया है। संतों से अपील करूंगा कि वह कांग्रेस पार्टी पर धरना दें, लेफ्ट पार्टी के कार्यालय पर धरना दें। सुप्रीम कोर्ट के चंद जज जो डिले करते जा रहे हैं उन पर धरना दें। हेरल्ड हाउस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को राहत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेरल्ड की कंपनी एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को राहत देते हुए 1 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक हेरल्ड हाउस खाली न करने की इजाजत दे दी।
दिल्ली के अमर कॉलोनी में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने घर में काम करने वाली एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के नवादा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों से मिले हथियार पर उर्दू में कुछ लिखा होने के बाद उनके आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक जताया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगुस्ता मामले में घूस लेने के आरोपी गौतम खेतान को 5 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ब्राजील में बांध टूटने के बाद आई बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 60 पहुंच गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गोवा घूमने के दौरान एक रेस्टोरेंट में वक्त बिताने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईडी ने यूपी के लखनऊ में बने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के आरोपी ठेकेदार अमित यादव को नोटिस भेजकर 30 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया। 2008 में असम में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के प्रमुख समेत 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए भेजे गए नोटिस पर समाजवादी पार्टी के विधायक रमेश मिश्र और आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के वकील ने लखनऊ में ईडी के सामने उनका पक्ष रखा। महाराष्ट्र के नागपुर में 26 जनवरी के दिन आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के डांस के दौरान पैसे लुटाने वाले एक पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के राज्यसभा सांसद केडी सिंह की 238 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ब्राजील के सेरा में एक होटल के स्विमिंग पूल में 3 साल का एक बच्चा डूबने लगा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पूल में कई लोग स्विमिंग कर रहे थे और 3 साल का यह बच्चा अचानक बच्चों के पूल से निकलकर बड़े लोगों के लिए बने पूल में कूद गया। इससे पहले 3 साल का यह बच्चा अकेले पूल एरिया में पहुंचा और वहां बच्चों के लिए बने स्विमिंग पूल में उतर गया। छोटे से इस पूल में चलते चलते वो किनारे पर पहुंचा और वहां से बाहर निकलकर पास में बने बड़े लोगों के स्विमिंग पूल की ओर बढ़ चला। इसके बाद वो पूल के किनारे बैठ गया और फिर अगले ही पल बड़े लोगों के पूल में छलांग लगा दी। बड़े लोगों का स्विमिंग पूल गहरा था जिसकी वजह से यह बच्चा उसमें डूबने लगा। हालांकि इस दौरान पूल में कुछ और लोग भी मौजूद थे लेकिन किसी का भी ध्यान स्विमिंग पूल में डूब रहे इस बच्चे पर नहीं गया। इसी बीच पूल के दूसरे छोर पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर पूल में डूब रहे इस बच्चे पर पड़ी जो दौड़ते हुए वहां पहुंचा और हाथ बढ़ाकर बच्चे को बाहर खींच लिया। महाराष्ट्र के जालना में बीजेपी नेता राव साहब भंवर पर किसान परिवार से मारपीट करने का आरोप लगा है। जालना से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी नेता और उनके समर्थक किसान परिवार से हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि मशीन से खेत में एक गड्ढा किया जा रहा था जिसका किसान और उसके परिवार की महिलाएं विरोध कर रही थी, जिसके बाद बीजेपी नेता के समर्थकों की उनसे झड़प हो गई और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। कर्नाटक के मैसूरु में एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम सिद्धरमैया का एक महिला से बचलुकी करने का वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बताई गई जो पूर्व सीएम के पास उनके विधायक बेटे की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही महिला ने अपनी बात कहनी शुरू की सिद्धरमैया भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए महिला के हाथ से माइक छीन लिया। इस दौरान महिला का दुपट्टा भी पूर्व सीएम के हाथ में आ गया। इसके बाद भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने मेज पर हाथ रखकर अपनी बात कहनी चाही जिससे पूर्व सीएम का गुस्सा और भड़क गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ से महिला के कंधे को धकेलते हुए नीचे बैठने को कहा। इसके कुछ देर बाद महिला ने एक बार फिर खड़े होकर अपनी बात रखने की कोशिश की लेकिन सिद्धरमैया ने महिला को फिर से बैठा दिया। हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम में मौजूद दूसरे लोगों ने भी पूर्व सीएम सिद्धरमैया को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सभी को डांटते हुए चुप करा दिया। लेकिन महिला से पूर्व सीएम सिद्धरमैया की बदसुलूकी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले की जांच कर्नाटक महिला आयोग से करवाने का भरोसा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी सिद्धरमैया से माफी की मांग कर दी। दो इट इज नॉट इंटेंशनल स्टिल द वीडियो क्लियरली शोस ही इज पुलिंग आउट हर दुपट्टा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी सिद्धरमैया के बर्ताव को गलत ठहराया। हमारे जो राजनीतिक कॉलीग्स हैं उनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है और खासकर अगर वो महिलाएं हैं तो और अति संवेदनशील होने की जरूरत है। हालांकि वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता खुद सिद्धरमैया के बचाव में उतर आई। उत्तराखंड के चमोली में -15 डिग्री के तापमान पर आईटीबीपी के जवानों ने कड़ी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के समय जवानों ने हाथ में बंदूक और तिरंगा लेकर बर्फ पर स्कीइंग का भी अभ्यास किया। इतना ही नहीं, जवानों ने सड़क पर जमी बर्फ हाथ से हटाकर आगे का रास्ता भी साफ किया।
तो आईटीबीपी के जवानों की कड़ी ट्रेनिंग आप देख सकते हैं। ये बर्फ में आईटीबीपी के जवानों ने ट्रेनिंग की है। जवानों ने सड़क पर जमी बर्फ हाथ से हटाई है और आगे का रास्ता भी साफ किया। -15 डिग्री पर भी जवानों के हौसले बुलंद हैं।